उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ हिंसक मामले में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। हाथरस के पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोने लगे। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फफक कर रो पड़ी। राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया, कहा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, मेरा परिवार आपके साथ है, आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवारों से बातचीत करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार दुख में हैं, शोक हैं। पीड़ितों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार अल सुबह यहाँ पर राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए। वाया रोड जाते हुए उन्होंने अलीगढ़ में भी यहाँ पर हादसे के कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी आवाज़ को उठाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि हाथरस में बीते दिनों जिस तरीके से एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची, उस दौरान यहां भोले बाबा उर्फ नारायण हरि नामक एक शख्स को यहां पर गिरफ्तार करने की लगातार मांग की जा रही है। उसी बाबा ने इस सत्संग का आयोजन करवाया था। प्रशासन की तरफ से 40,000 लोगों को यहाँ पर बुलाने की अनुमति ली गई थी, लेकिन ये संख्या 2.5 लाख से अधिक पहुंच जाती है। हाथरस में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया है उसे देने में लापरवाही ना की जाए। ये गरीब परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं और तुरंत इनको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी हाथरस का दौरा किया था। वे अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने आए थे और इस हादसे की जाँच के लिए न्यायिक आयोग की गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आयोग का गठन किया गया है उसमें रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत जल्द ही आयोग की टीम हाथरस आएगी और तमाम यहां पर सबूतों को इकट्ठा करेगी। पुलिस ने हाथरस मामले की जांच को तेज कर दिया है। आईजी शलभ माथुर ने बताया कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इनमें 2 महिलाएं हैं। फरार प्रमुख आयोजक वेद प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। गुरुवार शाम को भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के वकील एपी सिंह भी घायलों से मिलने अलीगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने भोले बाबा पर फरार नहीं है, वह यूपी में ही है, जब टीम जांच के लिए बुलाएगी तो वह जरूर पेश होंगे, ये बात कहते हुए वो नजर आए। लेकिन देखना ये होगा कि राहुल गांधी की वहाँ पर मौजूदगी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन कितनी जल्द इन पीड़ित परिवारों को राहत पहुँचा पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।